हेलो गाइस, आपके सामने ऐसे दो बजट फ़ोन लेके आया हूँ जो कम बजट में कंपनी ने निकाले लॉन्च किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक है रियलमी का नार्जो N53 और एक है रियलमी का C51। ये दोनों कंपनी ने अभी न्यू लेटेस्ट लॉन्च किए हैं दोस्तों। इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे, वर्सेस करेंगे कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है दोस्तों। अगर आपको कम बजट में मोबाइल लेना है, ये दोनों की ज़्यादा प्राइस नहीं है, दोनों की सेम प्राइस है, इसलिए दोनों की कंपेरिजन करने वाले हैं दोस्तों। इसकी प्राइस बात करें, ओनली ये वाला मिल रहा है आपको 8999 में, दोनों की 9000 प्राइस है। इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह हाईलाइट किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसमें यह रियलमी का नार्जो N53, इस पर भी स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं। एक है रियलमी का C51, इन पर भी मेंशन किया गया है स्पेसिफिकेशन। दोनों मुझे सेम देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, 30 वाट का सुपर बुक चार्जर दोनों में मिल जाता है आपको। 5 mAh की बैटरी भी दोनों में मिल जाती है इसकी। इसकी डिस्प्ले भी क्वालिटी सेम मिल जाती है, 6.7 इंच की इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है दोस्तों, इसकी डिस्प्ले साइज। और आपको मिल जाती है 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दोस्तों। में वेरिएंट की बात करें, दोनों वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, 4GB RAM और 64GB ROM वाला दोनों वेरिएंट है दोस्तों। और कलर की बात करें, कलर इसका आया फेदर गोल्ड कलर और इसका आया मिंट ग्रीन कलर दोस्तों, Realme 51 का दोस्तों। और बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह है, अभी मैं इसके खोल के दिखाऊंगा दोस्तों। कैमरा टेस्टिंग सब कुछ के बारे में आप इसकी दोनों में कंपेयर करेंगे दोस्तों, कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप अंत तक वीडियो जरूर देखें। अगर चैनल पर आप मेरे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और मेरी आप वीडियो देख सकें। ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने इसलिए मैं आपको एक एक से जल्दी जल्दी करके इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं आप देखने के लिए, और इसमें आपको केस कवर देखने को मिल जाता है Realme 51 में, और आपको कंपनी ने पहले से प्रोवाइड कराया है। इसमें एक डिवाइस देखने के लिए मिल जाती है, इसकी फिलहाल इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या निकल रहा है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें 30 वाट का चार्जर मिल जाता है इसमें आपको, जो आपका 45 से 50 मिनट के समथिंग आपका फुल चार्ज कर देगा, जो काफ़ी फास्ट चार्ज करेगा, कंपनी ने प्रोवाइड कराया है आपके लिए। और इसमें मिल जाता है आपको टाइप सी एक पोर्टेबल चार्जिंग सॉकेट एंड गाइस, और मिल जाता है आपको सिम इजेक्टर टूल। अब बात करती है रियलमी नार्जो N53 की, इसके कंटेंट में क्या क्या दिया गया है अंदर, जिसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें एक आपको मिनी बॉक्स मिल जाता है देखने के लिए, और इसके अंदर आपको मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट कवर जो थोड़ा हल्का सा ब्लैक कलर का दिया गया है, आपको कंपनी ने प्रोवाइड कराया है, आपको अलग से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इसके डिवाइस के बारे में फिलहाल बाद में बात करेंगे। इसमें भी आपको मिल जाता है एक 33 वाट का सुपर बुक चार्जर, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें ये भी आपके सेम ही चार्ज करेगा। और आपको मिल जाती है एक टाइप सी डाटा केबल दोस्तों, पोर्टेबल, और मिल जाता है आपको इसमें सिम इजेक्टर टूल, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें सेम एसेसरी दी गई, इसमें सेम कंटेंट दिया गया दोस्तों, आपको अलग से खरीदने की। अब बात करते हैं इस डिवाइस के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हो, ये रियलमी नार्जो N53 है, जो लुक दिया सबसे काफ़ी है आईफोन लुक में आपको मिल जाता है देखने के लिए। आपको पीछे डुअल सेटअप के साथ आपको देखने को मिल जाती है, लुकिंग डिजाइन सबसे काफ़ी अच्छी। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें प्लास्टिक लुक साइड मिल जाती है आराम से, प्लास्टिक लुक दी गई इसकी बैक पैनल की। अब बात करते हैं ये वाला Realme 51 का, ये भी अच्छा है दोस्तों, जिसके आप देख सकते हो, इसमें भी आईफोन लुक में आपको डिजाइन देखने मिल जाती है इसमें देखने के लिए। और इसमें थोड़ा हल्का सा डिफरेंट है, इसमें एकदम शाइनिंग लुक नहीं है, इसमें थोड़ा मैट फिनिश टाइप में नीचे लुक दिया गया है, और ऊपर से आपको शाइनिंग लुक में देखने के लिए मिल जाता है। दोनों को सेम आईफोन लुक में देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छी लुक डिजाइन के हिसाब से काफ़ी बेटर है दोस्तों। इसकी है ना स्लिम मॉडल दोनों है। इसकी अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम में आपको मिल जाता है सेम चार्जिंग सॉकेट और 3.5 mm का ईयरफोन जैक, और आपको मिल जाता है लाउड स्पीकर एंड आपको मिल जाता है माइक्रोफोन दोस्तों। नीचे इसके बॉटम में कंपनी प्रोडक्ट आया है, लुकिंग डिजाइन सबसे सेम लग रहे हैं दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है, क्योंकि इसकी 7.4 mm का स्लिम मॉडल है वाला रियलमी नार्जो N53, और ये वाला है 7.9 mm का स्लिम मॉडल दोस्तों, बस थोड़ा सा हल्का मोटा है। और इसके साइड की बात करें तो इसमें साइड में आपको मिल जाती है डुअल सिम डालने के लिए, दोनों में डुअल सिम डल जाती है, मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो बॉटम में। और अगर इसकी साइड की बात करें, इसमें दोनों में आपको साइड फिंगरप्रिंट मिल जाता है, माउंटेड साइड फिंगरप्रिंट, और साइड में आपको मिल जाती है पावर ऑन ऑफ के बटन, जो काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट भी काम करेगा इसमें, और आपको वॉल्यूम के भी बटन देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छे मॉडल लग रहे हैं दोनों, मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं। प्राइस भी काफ़ी अच्छी है इसकी, इसकी प्राइस ओनली 8999, 9000 रुपये में कंपनी प्रोडक्ट आया है दोनों, तो हम सब कोई भी परचेस कर सकते हो दोस्तों। फिलहाल इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। जैसे लुक डिजाइन के हिसाब से तो मुझे दोनों काफ़ी अच्छे लगे दोस्तों, बस थोड़ा हल्का सा स्लिम मॉडल नार्जो N53 है, और थोड़ा हल्का सा ये वाला थोड़ा मोटा है, 7.9 mm का है, इसलिए थोड़ा इसलिए मोटा सा हो जाता है देखने के लिए। लेकिन लुक डिजाइन हिसाब से दोनों प्यारे सेट लग रहे हैं, आईफोन लुक में कंपनी प्रोवाइड करवाया है दोस्तों। इसको करते हैं चालू, ऑन करते हैं, आप देख सकते हो इसमें दोनों में रियलमी लिखा जाता है दोस्तों, नार्जो सीरीज है, लेकिन रियलमी के दोनों फ़ोन है कंपनी निकाला है। दोनों की ऊपर की बात करें, दोनों में आपको बाटो ड्रॉप नॉट डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है इसकी। इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो, लेकिन ब्राइटनेस की रियलमी C51 में अच्छी मिल जाती है देखने के लिए। इसमें मिल जाती है 550 nits की, लेकिन इसमें कोई nits वगैरह नहीं है, अगर धूप में जाओगे ना तो रियलमी C51 की थोड़ा डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है इसमें।
अगर रेफरेंस रेट की बात करें तो रेफरेंस रेट आपको 90 GHz दोनों में देखने को मिल जाती है। दोनों चलने में काफ़ी स्लिम है, स्मूथ डिस्प्ले चल रही है आराम से, 90 GHz रेफरेंस रेट है। बस इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट मुझे लगा रियलमी नार्जो N53 में, मुझे थोड़ा हल्का सा डल सी डिस्प्ले लगी। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें, कैमरा क्वालिटी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कैमरा क्वालिटी में मुझे बेटर लगा नार्जो N53, मुझे काफ़ी इसकी कैमरा क्वालिटी बैक लगी। लेकिन बैक कमारी में कैमरा क्वालिटी में आपको दोनों को 50 MP का सेटअप के साथ आपको मिल जाती है, प्लस ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं है इसका, डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है दोस्तों। फ्रंट कैमरे की बात करें, फ्रंट कैमरा इसका लेकिन कम है रियलमी C51 का, इसका है 5 MP का फ्रंट कैमरा और रियलमी नार्जो N53 का दिया गया है 8 MP का, तो इसलिए थोड़ा इसका बेटर कैमरा मुझे लगा रियलमी नार्जो N53 का, मुझे फ्रंट कैमरा बेटर लगा। अगर आपको 9000 की परचेस करना है तो आप नार्जो N53 परचेस कर सकते हो, कैमरा क्वालिटी के मामले में और स्लिम भी मॉडल काफ़ी है दोस्तों। 5000mAh की बैटरी है, सेम फीचर्स दिए गए। अगर बैक कैमरे की बात करें, बैक कैमरा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका, कैमरे के मामले में रियलमी नार्जो N53 है ना वो काफ़ी बेटर लगा मुझे। और इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस है ना, इसके दोनों को आपको मिल जाता है पावरफुल यूनिसॉक का 612 का प्रोसेसर, इसका दोनों प्रोसेसर सेम दिए गए दोस्तों। और कैमरा क्वालिटी के मामले में तो मुझे नार्जो N53 बेटर लगा दोस्तों। अगर आपको परचेस करना है कैमरा क्वालिटी और स्लिम मॉडल लेना है तो आपको नार्जो N53 आपके इधर की जा सकते हो आप। अगर थोड़ा आपको लुक डिजाइन में थोड़ा साइनिंग लुक में लेना है थोड़ा अच्छे में, वैसे तो सेम ही है दोनों, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलने में भी थोड़ा स्मूथ मुझे लगी स्मूथनेस, तो रियलमी C51 मुझे स्मूथनेस थोड़ा अच्छी लगी, इसका थोड़ा मुझे चिपता हुआ नज़र आया रियलमी नार्जो N53 का, लेकिन चलने में मुझे वो वाला बेटर लगा दोस्तों। और कैमरा क्वालिटी मुझे तो नार्जो N53 बेटर लगा, जैसे आप देख सकते हो इसकी, इसमें दोनों में मिल जाता है आपको एंड्रॉइड 13 वर्जन देखने के लिए मिल जाता है आपको, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें एंड्रॉइड 13 वर्जन मिल जाता है दोनों के लिए। बैटरी बैकअप भी सेम है, एक दिन आराम से नॉर्मली यूज कर सकते हो। 5000mAh की बैटरी दी गई है दोनों में, 5000mAh की बैटरी साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है, लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है इसकी। पिक्सल डेंसिटी में मुझे ना रियलमी नार्जो N53 का काफ़ी बेटर लगा, क्योंकि इसका 390 का इसका पिक्सल डेंसिटी इसकी PPI दिया गया है इसका, और रियलमी C51 का पिक्सल डेंसिटी 260 मिल जाता है देखने के लिए। पिक्सल डेंसिटी में मुझे ये बार काफ़ी बेटर लगा रियलमी नार्जो N53, चलने भी मुझे काफ़ी बेटर लगा और थोड़ा कैमरा क्वालिटी भी बेटर लगा। अगर आपको परचेस करना है तो रियलमी नार्जो N53 परचेस कर सकते हो। अगर लुकिंग थोड़ा बहुत ही डिफरेंट, अगर आपको लुक डिजाइन में कौन सा बेटर लगता है, डिस्प्ले क्वालिटी भी सेम दी गई है दोस्तों, वैसे दोनों सेम ही है, बस आपको थोड़ा कैमरा क्वालिटी अच्छा लेना तो आप ये वाला ले सकते हो। वैसे ज़्यादातर सेम ही फीचर्स दिए गए हैं, देख सकते हो आप। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है मुझे, ऐसे सपोर्ट करते रहना दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी डेली वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।